जो इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है, तो इसको हल करेंगे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 4x = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x² - 4x + 0 = 0। तो यहाँ पर ax² + bx + c से इसकी तुलना करने पर तो a = 3 आ जाएगा, b = -4 आ जाएगा और c = 0। तो मूलों का गुणनफल दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तो ये u फल तो होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। हमसे गुणनफल पूछा है तो हम c/a निकालेंगे। c हमारा 0 है, a हमारा 3 है, तो 0 में 3 से भागना है तो 0 आ जाएगा। इसलिए मूलों का गुणनफल = 0, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें।